अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एहसान अली। दोस्तों मैं आज दुबई का कुछ नया ट्रिक लेकर आया हूं जो कि आज बताने वाला हूं। जो दोस्त हमारे चैनल पर पहले नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ज्यादा मतलब हमें बेनिफिट भी मिलेगा और आपको भी बेनिफिट मिलेगा। जो लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं और हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद वीडियो शेयर करें। और जितना अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें और जितना तक हो सके शेयर ज्यादा से ज्यादा करें, ठीक है दोस्तों। चलो मैं आज आपको बताने वाला हूँ दुबई का, मतलब अगर आप दुबई में जाना चाहते हैं या तो मतलब अरब कंट्री के अंदर किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं तो क्या किस तरीके से आप वीजा लें, कौन सा वीजा लें, कैसे लें, क्या बेनिफिट होगा और कैसे आप जाना चाहते हैं। जो लोग आज मैं बताने वाला हूँ, जो लोग क्वालिफाइड लोग हैं, इंटर 10+2 है, ग्रेजुएशन है, हाई स्कूल इंटर प्लस आप मास्टर की डिग्री है, इंजीनियरिंग की डिग्री है, डॉक्टर की डिग्री है, उनके लिए मैं कुछ थोड़ा वीडियो बताऊंगा। बाकी एक बार मैं अलग अलग करके डॉक्टर की कैसे मिलेगी, इंजीनियर की कैसे जॉब मिलेगी, वो मैं अलग अलग बताऊंगा इंशाल्लाह। आज बताने वाला हूँ जो 10+2+ ग्रेजुएशन लेवल के लड़के हैं, ठीक है। सबसे पहले आप जब भी पहले बात तो ज्यादा बेटर पड़ेगा आपको दुबई जॉब के लिए, दुबई में आप एंट्री कर रहे हैं, अगर आपको यहाँ कोई एजेंट वीजा दे रहा है, डायरेक्टली कोई वीजा दे रहा है स्टोर कीपर की या आपको होटल मैनेजमेंट की या मतलब आपको उसमें क्या कहते हैं सप्लायर कंपनी में या मार्केटिंग में या कोई ऐसे पिज्जा हट में या ऐसे कोई कंपनी में आपको जॉब दे रहा है डायरेक्टली, सबसे पहले आप विजिट वीजे पे ना जाएं, उनके विजिट वीजे पे ना जाएं एजेंट के, आप डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट वीजे पे जाएं, आप वीजे पे सिग्नेचर करें, जो भी आपका ऑफर लेटर आ रहा है उस पर आप सैलरी देख ले, उस पर सिग्नेचर करें, उसके बाद ही आप आगे का प्रोग्राम करें, उससे पहले किसी का कोई एडवांस ना दें, ठीक है दोस्तों। जब भी आप करें पहले आप ऑफर लेटर चेक करें, ऑफर लेटर चेक करने के बाद ऑफर लेटर आपका सही है, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि ऑफर लेटर दुबई का कैसे सही होता है या ओरिजिनल वीजा का पहचान क्या होता है या मतलब विजिट वीजे का क्या कैसे, पूरा डिटेल्स बताऊंगा। आज मैं केवल इतना बताने वाला हूँ कि आपको कैसे किस पर्पस में किस फील्ड में जाना अच्छा है। तो अगर आप होटल मैनेजमेंट या किसी में जा रहे हैं एजेंट के थ्रू, तो डायरेक्टली आप कोशिश ये रहे कि वो एग्रीमेंट पेपर लें, एग्रीमेंट पेपर लेने के बाद उस पर साइन करें, अच्छे से पढ़े उसको पढ़ने के बाद, और इसके बाद आप साइन करें, अगर आप सर्टिफाइड हैं तो साइन करें, वीजा है वीजा को चेक करें, मैं अभी वीडियो में बताऊंगा वीजा कैसे चेक करेंगे। अगर आप चेक नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं वीजा को चेक करूंगा, ऑफर लेटर को चेक करूंगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ही आप कंपनी में जाए, जो भी चार्ज ले रहा है वो आप ले, मिनिमम जो चार्जेज होना चाहिए 80,000 से 85,000, 60,000, 65,000, 1,00,000 तक एजेंट लोग ले रहे हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट वीजा दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, और वहां एक चीज और ये पता कर ले कि आपका अमाउंट कटेगा कि नहीं कटेगा वीजे का, क्योंकि दुबई के अंदर 80% वीजे का अमाउंट कटता है, जो भी 2,000 से लेकर 8,000 दिरहम तक कटता है, ये चीज आप क्लियर कर ले कि वीजे का अमाउंट कटेगा या नहीं कटेगा। अगर वीजे का अमाउंट कट रहा है तो यहाँ आप पहले डिसाइड कर ले, अगर वो बोल रहा है नहीं कटेगा तो मैं बोल रहा हूँ कि वीजे का अमाउंट कटता है, कहीं कहीं कोई कंपनी होता है नहीं काटती है, ठीक है दोस्तों। और जब आप यहां से वीजा जो मतलब अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं ले रहे, अगर बंदा विजिट वीजा दे रहा है तो आप विजिट वीजे का अमाउंट दें, वो जो विजिट वीजे का लगभग 30,000 से लेकर 35,000 के बीच में आपको टिकट, एयर टिकट, रिटर्निंग टिकट और विजिट वीजा, ये भी अमाउंट दें, और इसके बाद वहां जाने के बाद आप इसको एक ब्लैंक चेक दें कि मैं आपको 65,000 पे डन कर रहा है, 80,000 पे डन कर रहा है, तो उसको ब्लैंक चेक दें, भाई इतना चेक अगर मेरा वहां फाइनल होगा तो आप पेमेंट ले सकते हैं, और नहीं तो आप बिल्कुल भी पेमेंट मत दें, अन्यथा आप फंस जाएंगे और बहुत दिक्कत आ सकती है दोस्तों, ठीक है। और या तो आपका कोई रिलेटिव हो, कोई पहचान को, तो उनको आप दे दीजिए, ठीक है दोस्तों। ज्यादा बेटर है कोई रिलेटिव हो एरिया का, गांव का है आपका, तो आप उसको दे दो, कोई दिक्कत नहीं, आप जाके आसानी से वहां जाने के बाद आपको जॉब मिल जाएगी। विजिट वीजे पे जा रहे हैं तो ये होगा दूसरा नंबर, पहला तो आप डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट वीजा लीजिए, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है तो आप विजिट वीजा लीजिए, उसका 35,000 रूपये ज्यादा आपको देना नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब तीसरा नंबर आपके पास, अगर आप खुद पर्सनल अगर जॉब ढूंढना चाहते हैं, किसी का कोई एजेंट का सहारा नहीं लेना चाहते, तो आप डायरेक्टली वीजा लीजिए, और आपको 3 मंथ का वीजा लीजिए या 1 मंथ का लीजिए, 1 मंथ का ट्राई करिए। 1 मंथ का वीजा मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ कि कितने का है, क्या खर्च है, कैसे है, 1 मंथ के उसमें बताया हूँ, मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा 1 मंथ में कितना खर्च आएगा और 3 मंथ में कितना खर्च आएगा, टोटल मैं बताऊंगा आपको,
लेकिन आज मैं बता रहा हूँ अगर आप जॉब ढूंढने के लिए जा रहे हैं तो वन मंथ भी काफी है, कोई दिक्कत नहीं, वन मंथ में भी आप जॉब पा सकते हैं, थ्री मंथ की जरूरत नहीं। वन मंथ का जो आपका कास्ट आएगा लगभग 7,500 रूपए, 6,500, 5,500, कई रेट है, लगभग इतना चार्ज आपका वन मंथ में आएगा। कोई कोई खल्ली बल्ली कोई भी जाता है 11,500 भी ले लेते हैं, वो आपके जैसा एजेंट मिले जिस तरीके से पेमेंट मिले, आप हमारे यहाँ लेना चाहते हैं मुझसे कॉन्टेक्ट करें, जो मैं कम से कम रेट में आपको वन मंथ का वीजा दे सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। और आपको टिकट चाहिए तो टिकट ज्यादा बेटर रहेगा कि टिकट मान के चलिए कि आपको 7,000 से लेकर 15,000 के अंदर आपको टिकट मिल जाएगा, डमी सहित, डमी टिकट सहित। आप वहां जाओ, वहां रहो, रहकर खुद जॉब तलाशो, हर एक एक जगह जाओ, एक एक ट्राई मारो, इंटरनेट से जॉब ढूंढो, इंटरनेट से नंबर निकालो, नंबर निकाल के डायरेक्ट फोन करो, ठीक है दोस्तों। और जितना हो सके फोन करो, वहां आपको जॉब आसानी से मिल जाएगा, 25-30,000 रूपए खर्च होगा, आपको जॉब मिल जाएगा और तुरंत वीजा लग जाएगा। वन मंथ में 10 दिन में आप जॉब ढूंढ लेंगे, 10 से 15 दिन में 40 दिन का वीजा मिलता है, आसानी से आप जॉब पा जाएंगे, 3 मंथ लेने की ही जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलो, जो लोग हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करो वीडियो को, ठीक है दोस्तों। मैं बार बार आपको बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। जो भी ग्रेजुएशन किए हुए हैं, हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम कुछ भी किए हैं आप, इस तरीके से ज्यादा बेटर है डायरेक्ट जॉब ढूंढे, वन मंथ का वीजा ले, टिकट ले, आप डायरेक्ट वहां जाएं, आपको जॉब मिल जाएगा। वहां 10 दिरहम 15 दिरहम में पर डे का रहने के लिए आपका हो जाएगा, 10 रूपए खाने का खर्च आएगा, वो डायरेक्टली आप बहुत ना के बराबर 30-35,000 रूपए में आपका टोटल आप जॉब पा जाएंगे इंशाल्लाह, वन मंथ के वीजे पर। आपको 3 मंथ का वीजा लेने की आवश्यकता ही नहीं है, वो लोग बेवकूफ बनाते हैं जो आपको 3 मंथ का वीजा देकर आप डराओ, वो फ्री में आपको काम कराते हैं, ये सब सरदर्दी है, ठीक है दोस्तों। चलो, मेरा नेक्स्ट प्लान, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हो सकता है मलेशिया का मैं वीजा लगने के लिए दे दिया हूँ, वो आ भी गया है, और इंशाल्लाह देखो अभी मैं कुछ बताया था आगे वीडियो में कि प्रॉब्लम भी चल रहा हूँ, जैसे ही कुछ सॉल्व होता तो मैं मलेशिया जाके इंशाल्लाह मलेशिया के बारे में बताऊंगा, कैसे वीजा लेना है, क्या वीजा लेना है। मलेशिया में बहुत फ्रॉडगिरी है, वन मंथ वन ईयर का वहाँ विजिट वीजा निकलता है, वन ईयर का स्टाम्प करके आपको वीजा बना के आपको फॉरओवी बना देते हैं। आगे वीडियो में मैं बताऊंगा 3 मंथ वन मंथ और जॉब कैसे ढूंढें, किस तरीके से आपको जॉब ढूंढना है। नेक्स्ट वीडियो में यही बनाऊंगा कि किस पर्पज से, कौन सी वेबसाइट से, किस वेबसाइट से आप जॉब ढूंढेंगे, वो मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आपको, ठीक है दोस्तों। चलो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।